दिल्ली पुलिस ने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में अदालत में दाखिल किए गए अपने आरोप पत्र में कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून यानी कि CAA के खिलाफ प्रदर्शन स्थलों का प्रबंधन करने और सांप्रदायिक हिंसा की साजिश को अंजाम देने के लिए 5 लोगों को कथित तौर पर 1,61,00,000 रुपये मिले थे। पुलिस ने आरोप पत्र में कहा है कि कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, कार्यकर्ता खालिद सैफी, आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एलुमनाई एसोसिएशन अध्यक्ष शिफा उर रहमान और जामिया के छात्र मीरन हैदर को CAA के खिलाफ प्रदर्शन स्थलों के प्रबंधन और फरवरी में हुए दिल्ली दंगों की साजिश को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर 1,61,00,000 रुपये दिए गए थे। पुलिस ने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र के मुताबिक जांच के दौरान ये पता चला है कि 1 दिसंबर 2019 से 26 फरवरी 2020 के दौरान आरोपी शज्जहां, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान और मीरन हैदर को बैंक खाते और नकदी के माध्यम से इतने पैसे दिए गए थे। आरोप पत्र में कहा गया है कि कुल 1,61,00,000 रुपए में से 1,48,00,000 रुपए के आसपास नकद निकाले गए और प्रदर्शन स्थलों के प्रबंधन के लिए खर्च किए गए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।